नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल आपको याद है? अगर हम पीछे जाएं, 10 साल पीछे जाएं, तो 2 अप्रैल को आज ही के दिन हमने वर्ल्ड कप जीता था। जी हां दोस्तों, 2 अप्रैल 2011 को ही इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था और ये संभव हुआ था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बदौलत। महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों आपके लाइफ में आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत ही शानदार उदाहरण है। महेंद्र सिंह धोनी जो कि हमेशा मिस्टर कूल के नाम से जाने जाते हैं, आज हम उनकी बातें करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि अगर आपका कोई सपना नहीं है तो याद रखिए आप स्वयं को आगे नहीं बढ़ा सकते। आगे बढ़ाने के लिए आपके पास सपने होना जरूरी है क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने के लिए ढकेलते हैं। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट और मॉरल स्टोरी हो सकती है। सबसे बड़ी बात, महेंद्र सिंह धोनी कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोते थे। वो हर समय शांत दिमाग से अपना काम करते थे और लोगों को अपनी बातों के बजाय अपने बल्ले से जवाब देते थे। दूसरी बात, महेंद्र सिंह धोनी आखिरी समय तक हार नहीं मानते थे। आपने देखा होगा उनके कई मैच ऐसे इंटरेस्टिंग मोड लाते थे कि जब लगता था कि इंडिया हार रही है, लेकिन उसी वक्त महेंद्र सिंह धोनी कुछ ऐसा कर जाते थे कि जिससे इंडिया जीत जाती थी। तो इसलिए दोस्तों आखिरी वक्त तक हार मत मानिए क्योंकि क्या पता चमत्कार कब हो जाए। अगली बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी प्रयोग करने से नहीं डरते थे। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते रहते थे और इसी तरह उन्होंने कई बल्लेबाजों को जो कि गुमनाम में अंधेरे में खो रहे थे, उन्होंने कई बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को प्रयोग किया और उन्होंने सफलता पाई अपने मैचों में। महेंद्र सिंह धोनी की इसी खासियत की वजह से मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और वो मेरे लिए एक आदर्श है। तो दोस्तों अगर आपके दिल में कोई लक्ष्य है, अगर आपका कोई सपना है, तो उसको पूरा करने के लिए आप जरूर आगे बढ़िए क्योंकि सपने अगर आप अपने पूरे नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपसे अपने सपने पूरे करवाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर मिलूंगा आपको चार्ज करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।